पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन की सरकार पर हरियाणा की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया, साथ ही सरकार के आबकारी नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी कार्यकाल में बेरोजगारी बेहद बढ़ गई, तो वहीं निवेश बेहद घटता चला गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। आज सबको इस बात की चिंता है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट होने की तरफ बढ़ाई है। खट्टर सरकार के जो कार्यकाल रहा, जो हरियाणा 2014 में कांग्रेस हुड्डा सरकार के समय निवेश दर में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, जहां बेरोजगारी देश में सबसे कम थी 2.8%, आज वही हरियाणा देश में बेरोजगारी में तो नंबर एक है। 30% बेरोजगारी नीति आयोग के अनुसार त्रिपुरा और हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा। दीपेंद्र हुड्डा ने आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आबकारी नीति से युवाओं को खेल की बजाय नशे की ओर धकेलने की योजना बना दिया गया है। ऐसे में सरकार को अपनी नई आबकारी नीति वापस लेनी चाहिए। ये आबकारी नीति भी लेके आए, ये इस पे जो छाप है, ये मुझे लगता है कि जो शराब के जो ठेकेदार हैं उनकी छाप दिखाई देती है, क्योंकि ये नीति कहीं किसी भी तरीके से प्रदेश के युवा के हित में नहीं हो सकती। आप 1,000 रुपये का एक लाइसेंस दें हर घर में 2 पेटी शराब के रखने की, हर घर को आप बार और एक ठेके के रूप में आप जो है आप बना दें, तो ये तो मैं समझता हूँ कि आज तक हमने तो ऐसी नीति के बारे में सुना ही नहीं। कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बनी गठबंधन की सरकार को सिर्फ लूट और खसोट के लिए बना गठबंधन करार दिया। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने नई आबकारी नीति को वापस लेने की सरकार से मांग की।